बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना, कुकिंग विद आमना, मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मसाले के बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने एक पहले अंगूर लिया है, 3 से 4 मैं आड़ू लिए हैं, 3 अदद सेब लिए हैं, 4 अदद बनाना और 1 अदद मैंगो लिया है, 1 चम्मच हमें चाट मसाला की चाहिए और 3 चम्मच हमें चीनी की चाहिए, और ये टेट्रा पैक की क्रीम हमें चाहिए, कोई किसी भी कंपनी की आप यूज कर सकते हैं। हम क्रीम को डालेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे, क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर था। इसके अंदर ये 1 चम्मच चाट मसाला की, और ये हम चीनी को डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम ये फ्रूट डाल देंगे, ये केले, आड़ू, सेब, ये आम, और ये अंगूर डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ सारे फ्रूट को मिक्स कर लेंगे क्रीम के अंदर। मैंने क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो हम फ्रूट चाट को सर्विंग बाउल में निकालेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा फ्रूट चाट तैयार हो गया है। आप इसे ठंडा करके ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बना है। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट चाट तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।